हम लोग जा रहे हैं सीजर्स पैलेस। चलिए चलते हैं ये वाला होटल, देखते हैं ये कैसा होगा। हाँ, कुछ भी मस्त आती है ना होटल में, कुछ भी बोल। सो गाइस, ये होटल है सीजर पैलेस। ये है लास वेगास स्ट्रिप में। स्ट्रिप का मतलब वो एक लेन जैसा है, एंड उसके दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, सब पूरा होटल से भरा हुआ है वो स्ट्रिप। एंड आप कोई भी होटल में जा सकते हो, ऐसा कोई रोकेगा नहीं कि आप ये होटल में रह रहे हो नहीं रह रहे हो तो ही आप इस पे आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी होटल में जा सकते हो, घूम सकते हो और सब कुछ फोटो ले सकते हो। एंड ये जो होटल है सीजर पैलेस, इसका थीम है रोमन एम्पायर। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्टैचूज, एंड ये देखिए जो स्काईलाइन दिख रहा है ना, ये रियल स्काईलाइन नहीं है, ये सब बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, फोटोज खींचते, ऐसे ही आराम से बैठते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। यस, हाँ, उसके लिए पैसा तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही बड़े ब्रांड से। एंड आपको वहाँ पे बहुत ही मतलब लेटेस्ट कलेक्शन ये सब देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे ऐसे वैसे ब्रांड्स भी है जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, तो ज़्यादा उसके अंदर लोग नहीं थे, सब बाहर ही थे, लेकिन यू कैन ऑलवेज चेकआउट। आपको कोई रोकेगा नहीं कि आप ये शॉप पे नहीं जा सकते हो। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, कसिनो, मतलब फुल ऐसे ना मॉल जैसा है। तो आप एक होटल के अंदर जाओ और पूरा का पूरा घूमो, आराम से देखो कि क्या थीम है इनका। और ऐसे कोई कोई होटल्स भी है जहाँ पे ना हर थीम, मतलब हर थोड़े दिन में या हर महीने में, आई डोंट नो दैट, उनका थीम चेंज होता रहता है। तो लोग आके देखते हैं कि अरे इस बार ये थीम है, और ये देखिए कसिनो कितने बड़े, कितने लोग खेल रहे थे। इसके सामने फोटो निकालना है, लेकिन ऑलरेडी इसको लोग निकाल रहे हैं। और ये पूरा का पूरा कैसीनो है, पूरा बहुत कैसीनो है इधर ये होटल के अंदर, ये पूरा कैसीनो। तो अभी कुणाल कल खेलने वाला है बोल रहे, कितने का लगाने वाले रे? $25,000 $15 जीरो को वैल्यू नहीं होता है ना रे। गाइस, ये है गॉर्डन रामसेस हेल्स किचन। और ये देखिए, ये अच्छा है ना, बहुत बड़ा धूम करके। हाँ, यहाँ पे भी रश दिख रही है। अभी हम लोग किधर जा रहे हैं? बेलाजियो जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे है बेलाजियो, वो वहाँ पे कितने बजे? 15 मिनट में रहता है। और वहाँ पे है आईफिल टावर, जो कि मैं आज नहीं कल जाऊँगी। और ये क्या है, ये सब ग्रीन फेरी गार्डन, फोटो वोटो के लिए क्या? खाने पीने के लिए भी है। शो है क्या कुछ? सर्कस जैसा कुछ शो है क्या इधर अंदर? ये रहा मेरा आईफिल टावर। पेरिस नहीं तो यही सही, सस्ते वाला पेरिस। ये उसके नीचे भी जा सकते हैं क्या? अच्छा, पूरे होटल से टिकट ऊपर है। ओ, मतलब जैसे आईफिल टावर में ऊपर जाते वैसा। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे बेलाजियो में। ये आदमी देख। सो हम आ गए बेलाजियो। हाय, दूर से एसी का हवा आती है ना, मज़ा ही आ जाता है, ठंडक। यहाँ पे भी सब आते ही बड़े बड़े ब्रांड्स, फेंडी, गुची। हाय, ये है पूरा हमें गरीब फील कराने वाला लेन, क्योंकि यहाँ पे बुल्गारी, एलवी, शैनल, क्या क्या है वहाँ पे पता नहीं। और ये सिर्फ देखते जा रहे हैं कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूं। ये है शैनल, मेकअप वेकअप भी है यहाँ पे। सो गाइस, ये है होटल का डेकोरेशन। ये ऊपर का डेकोरेशन है, मेन डेकोरेशन वहाँ पे है। चलो चलते हैं वहाँ पे, देखते क्या है डेकोरेशन। और रश देखो भाई, आज फ्राइडे है, कल तो और रहेगा ना। फिर अभी वीकडेज में भी रहता है, इसी ये थोड़ा कम रहेगा।
सो अभी हम जा रहे हैं बेलाजियो होटल के थीम के तरफ, और आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज इतना खूबसूरत थीम था ना इनका। थीम था फ्लोरल एंड बोटैनिकल गार्डन्स, और इसमें एक छोटा सा वाटरफॉल भी था। इतना ज़्यादा भीड़ था कि फ़ोटो निकालने का जगह ही नहीं बचा था, लोग कंटिन्यूस खींचते जा रहे थे, और ऊपर से कुणाल भी है ना अपना फ़ोटो खींच रहा था, जबकि कुणाल यहाँ पे 10वीं बार आया। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर बार इसका थीम चेंज होता रहता है, हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं लोग। काफ़ी खूबसूरत था ये, कलरफुल एकदम, ऐसा लग रहा था कि आप जो दुबई में मिराकल गार्डन वहाँ पे आप आ गए हो वैसा था, एकदम ब्यूटीफुल सा था। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ फ़ोटो निकाले, एकदम बीच बीच में ना घुस घुस के से फ़ोटो निकाले। फिर हम लोग आ गए बाहर, और बाहर था फाउंटेन शो, जो कि ये दुबई में होता है वैसे ही टाइप में था, लेकिन दुबई में काफ़ी बड़ा है और लेकिन ऐसे ही सिमिलर ही है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक। तो हमने ये भी देख लिया कि चलो आप भी लास वेगस में आ गए तो ये भी देख ही लेते हैं। और सामने ही थी आईफिल टावर, तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मतलब लास वेगस ना, इट्स लाइक इट नेवर स्लीप्स, मतलब पूरा रात दिन रात पूरे लाइट्स रहेंगे वहाँ पे, रौनक लगी रहेगी, आप चिल मारो बस। इसके लिए बोलते हैं ना, व्हाट हैपेंस इन लास वेगस स्टेज इन लास वेगस। तो गाइस हम लोग आ गए डिनर के लिए वाल बर्गर, वाल है कि वॉल 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 बर्गर बर्गर बर्गर। सो मैंने तो हमेशा की तरह सैंडविच है ना ये, यहाँ पे बर्गर में अगर आप मंगाते हो तो उसके अंदर बीफ पैटी ही आएगी, चिकन की चाहिए तो उसको सैंडविच बोलते हैं इधर। और इसने इम्पॉसिबल बर्गर मंगाया जो कि है वेज वाला, और मानसी के लिए वी आर गोइंग टू टेक फ्राइज। सो देखते कैसा टेस्ट होगा। और ये है यहाँ का नज़ारा, देखना मेरा, अरे मेरा पूरा बाहर ही तेरा, क्या चीज़ ही है क्या। तो गाइस हमने डर्टी डर्ट डॉग से फ्राइज लिए हैं, एक क्या है प्लेन फ्राइज और एक गार्लिक फ्राइज। गार्लिक फ्राइज हम लोग के लिए, वहाँ पे हम लोगों ने नहीं मंगाया क्योंकि इतना कुछ खास नहीं था वहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना यूएस में एक है कि हर जगह उन लोग टिप 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 मांगते हैं, अभी देना नहीं देना आपके ऊपर होता है, बट वो एक थोड़ा फिर अजीब सा लगता है ना नो टिप करें, लेकिन मेरे को शर्म नहीं आता वो सब चीज़ें। मैंने नहीं दिया टिप, हाँ बिकॉज उनका सर्विस इतना अच्छा नहीं लगा हम लोग, थोड़ा अच्छा रहता है तो फिर ठीक होता है। तुम क्या अभी सिर्फ एक बर्गर लेके आए तो उसके लिए भी टिप दे के हम लोग अभी भी जो लिखा था वो नहीं था, हाँ उसमें, और वो बर्गर में सॉस भी नहीं ठीक से कुछ, मतलब उसका मेरे को पहले लगा ना नीचे का पाप ही नहीं है, पूरा ऐसा था वो पूरा बाहर था। तो मैं क्यों दूँ, कुछ अच्छा सर्व मिले तब मैं दूंगा, थोड़ा अच्छा मेरे को सर्विस मिले चिलीज का। और यहाँ पे भी नहीं, चिलीज और बाकी सब जगह भी ठीक था, और यहाँ पे भी इन लोगों ने टिप मांगा जो कि इसने नो टिप किया हिम्मत करके, वरना ये हमेशा 10-15% तो देता ही देता है, इसको मेरी वजह से हिम्मत आई है। सो गाइस हमने ले लिया प्राइस ये मानसी के लिए, और ये हमारा। सो गाइस हम लोग चले अपने होटल की तरफ, कुणाल को फ्राइज बहुत अच्छे लगे तो बोल रहा है फटाफट चलते हैं होटल में और खाते हैं। नहीं अपना तो घर है ना, अभी 2 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए क्यों ना हम उसको घर जैसा अब सोचे। सो गाइस होटल हमारा वहाँ पे है, और भी चलना है, कुणाल को रहा नहीं जा रहा है, फ्राइज का जो खुशबू है उसके नाक तक जा रही है। सो गाइस 1:30 हो गए रात के, और कुणाल वहाँ पे है, जगा हुआ है अभी तक वो, अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। मानसी ऑलरेडी सो चुकी है, फ्राइज थोड़ा सा ही खाया था हम लोग ने बिकॉज बहुत ज़्यादा था क्वांटिटी, तो अभी सोते हैं और मिलते हैं आपको कल सुबह। ये था आज का वीडियो, बहुत ज़्यादा चले हम लोग, 4 घंटा तो चल ही रहे थे, बैठे ही नहीं किधर भी, सिर्फ डिनर के टाइम पे बैठे। सबको मिलते हैं कल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक इट डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल, आई विल बी बैक विद सम अदर वीडियोस, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।